श्रीकृष्णा 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरा सबसे बढ़िया भक्त कौन है? भगवान कहते हैं एक ही है जिसका मन मुझ में हमेशा लगा रहता है, वो मेरा भक्त है। फिर चाहे वो कर्म का मार्ग चल रहा हो या भजन का मार्ग कर रहा हो या योग का मार्ग चल रहा हो या ज्ञान के मार्ग से चल रहा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब ये है कि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा या नहीं। तो भक्ति का गंतव्य स्थान क्या है? कहते हैं कि जो नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य निरंतर मेरे पास रहता है। कौन रहेगा भगवान के पास? जो भगवान का स्मरण करेगा वही। वैसे तो भगवान सबके पास है, तो ये होने के पश्चात ये बताया यदि आप योग की बात करो ज्ञान की बात करो तो ये सबके बस की बात नहीं है। योगा भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि योग में सबका मन नहीं आकर्षित होता। जैसे हम जब जाते हैं दूसरे देशों में तो हमको एक ने पूछा कि स्वामी जी आप इंडिया के हो तो इंडिया के लोग बड़े योग करते होंगे। हमने कहा इंडिया में 0.0001% लोग भी योगा नहीं करते। देखो कि जब से रामदेव बाबा आ गए थोड़े बहुत लोग नाखून खुजलाने लग गए। किसी भी जगह जाओ नाखून को खुजलाते हैं, फिर भी सर के बाल नहीं है। देखो तो ये योग का चक्कर भारत में ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। हमारे यहाँ ज्यादा चक्कर है भक्ति का। अब भक्ति किसके लिए है? जो व्यक्ति ना तो योगा कर सकता है ना तो ज्ञान के मार्ग से जा सकता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति होती है। और भक्ति की विशेषता क्या है कि उसके लिए आपको कोई अधिकार नहीं चाहिए। भक्ति के लिए हर एक व्यक्ति अधिकारी है। लूला हो, लंगड़ा हो, तगड़ा हो, पतला हो, समझदार हो, बेवकूफ हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अपने आप को देह मान के रखा है, देहवत भी, जो अपने को देहात्म भाव से जीते हैं, उनके लिए बाकी के मार्ग जैसे ज्ञान मार्ग अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भी अवाप्यते। तो इस अव्यक्त वस्तु को तत्व को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो देहात्म भाव में इतने फंसे हैं तो उनको ऐसे ही चाहिए। हम भगवान को नहला रहे हैं, हम भगवान को कपड़े पहनाते हैं और फिर हम भगवान को भोग लगाते हैं, 56 भोग। ऐसे व्यक्ति के लिए यह ज्ञान मार्ग योग मार्ग बड़ा कठिन होता है। अच्छा अब कर्म मार्ग की बात करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। फिर कर्म मार्ग से चलने वाले कौन है? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने जीवन के सभी कर्म वो मेरे लिए कर रहे हैं। देखो इसका बेस्ट उदाहरण आता है रामायण में शबरी माता का। उनका रोज का यही धंधा था, जंगल में उनका आश्रम जैसा था और रोज यही कि आज वो आएंगे, तैयार रखो तैयार रहो। इस प्रकार से जो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अब कौन से कर्म करते हैं हम? हम तीन प्रकार के कर्म करते हैं। एक तो शरीर से करते हैं, दूसरे वाणी से करते हैं, तीसरे मन से करते हैं। शरीर से भगवान की भक्ति करना माने क्या? जो सब में है सर्वभूत हिते रता,
जो सबकी सेवा में लगा है वह व्यक्ति कर्म के मार्ग से भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि जिसकी सेवा हो रही है उसके प्रति जब तक के आदर का भाव नहीं होता तब तक सेवा नहीं होती। तो आदर का भाव कैसा निर्माण करें, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात है। आदर का भाव निर्माण होता है चार प्रकार से। एक है शूद्र बुद्धि से, दूसरा है वैश्य बुद्धि से, तीसरा है क्षत्रिय बुद्धि से और चौथा है ब्राह्मण बुद्धि से। चार प्रकार से हम किसी को आदर देने का प्रयत्न कर सकते हैं। शूद्र बुद्धि से किसी को आदर देना माने जो हमसे उम्र में बड़ा है वह आदरणीय है। शूद्र कौन होता है? जो केवल रोता ही रहता है वो शूद्र है। तो ऐसे व्यक्ति को जो उम्र से बड़ा है उसका आदर करो, आपने भगवान की भक्ति कर्म के मार्ग से शुरू कर दी। जो हमसे पैसे में बड़ा है उसके प्रति जलने के स्थान पर उसका आदर करो। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम जलते हैं, मालूम है कैसा पैसा इकट्ठा किया है, अरे आपको क्या करना है? लक्ष्मी जब उनके पास पहुंच जाती है तो आपको क्या करना है, देखो। लेकिन आदमी जलने लग जाता है, हमको वो धंधा नहीं करना, हम तो प्रभु के मार्ग पर चल पड़े हैं। तो कोई हमसे पैसे में अमीर है वह आदरणीय है। तीसरी बात क्षत्रिय बुद्धि का, जो अनेक लोगों को इकट्ठा करके बेवकूफ बना सकता है, पॉलिटिशियंस, वो आदरणीय है। हम कर सकते हैं क्या? नहीं, तो वो श्रेष्ठ है हमसे, तो वो आदरणीय है। और चौथा ब्राह्मण बुद्धि से, जो हमसे ज्ञान श्रेष्ठ है। देखो तात्पर्य क्या हुआ, जो व्यक्ति किसी को आदर देता है, जिसको आदर दिया जाता है उसको लाभ नहीं होता, जो आदर देता है उसको लाभ होता है। बहुत सिंपल सिद्धांत है। एक बार की बात है, हमने कहीं बताई होगी, आपने सुनी भी होगी। हम जा रहे थे बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग में हमारी बस रुकी, हम भी नीचे उतरे, किसी ने हमको चाय दी पीने के लिए, हम चाय पी रहे थे। अब हिंदुस्तान है और सब लोग यात्रा में जा रहे हैं, तो एक गांव की कोई अम्मा आके मुझे नमस्कार की, दूसरी आई, तीसरी आई, लाइन की लाइन लग गई। तो मेरे साथ एक अंग्रेजी पढ़ी हुई डॉक्टर नहीं थी, कॉलेज की प्रोफेसर थी दिल्ली में। वो मुझे पूछती है, स्वामी जी ये इतने अननोन लोग आकर के आपको नमस्कार करते हैं, आपको कैसे लगता है? तो मैंने कहा कि अम्मा एक मिनट मेरा चाय पकड़ो। उसने चाय पकड़ी, ये दूसरी जो अम्मा मुझे नमस्कार करने वाली, रुको, रुक गई। तो ये मेरी माँ है। तो मैंने वो डॉक्टर ने को पैर छू के नमस्कार किया। हमने कहा मुझे नमस्कार करोगे तो 1 किलो पुण्य मिलेगा, मेरी माँ को नमस्कार करोगे तो 1 क्विंटल मिलेगा, क्या करना चाहती हो? नहीं 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 महाराज, माता जी को करेंगे। पूरी की पूरी लाइन उनके ऊपर डाइवर्ट हो गई। मैं अपना चाय का प्याला लेके निकल गया वहां। अब वो वहां फिट हो गई, अब जा भी नहीं सकती, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जब हमारा वहां से जाने का समय आया तो वो इतनी गुस्सा हो गई, इतनी गुस्सा हो गई, और मैं उसको अवॉइड कर रहा था। वो जिस बस में, मैं दूसरी बस में जाके बैठा, वो वहां आती, आपने ऐसा क्यों किया, यू आर वेरी नेस्टी। हमने कहा मम्मा गुस्सा कर लो, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, जब अननोन व्यक्ति आकर के नमस्कार करता है तो कैसा लगा? देखो महाराज, जो आदर देता है वह लाभान्वित होता है, आदर लेने वाला नहीं। देखो हम भगवान की मूर्ति मार्केट से खरीद के लाते हैं, ऐसे भाव करके। बड़ी मजे की बात है, भाव करेंगे, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति कितने की है, महाराज जी आपको क्या बताए, आप तो ऐसी ही ले जाओ। देखो स्टैंडर्ड डायलॉग होते हैं, आपके लिए ज्यादा नहीं, 51,000 रुपए। 51,000 रुपए
ओरिजिनल भगवान कृष्ण मिलेगा, ये नहीं चाहिए। अच्छा आप कितने देंगे? हम 51 रुपए देंगे। भाव करकरा करके भगवान की मूर्ति खरीदते हैं, उसके बाद उसके सामने नमस्कार करते हैं, तो उसको फायदा होता है क्या? जो आदर देता है उसको लाभ होता है, ये सिद्धांत है। इसीलिए सबको आदर देना यह शरीर से भगवान की भक्ति करना है, बहुत सिंपल है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ भगवत गीता में आता है कि शरीर की तपस्या क्या है, देव गुरु प्राज्ञ ज्ञानी लोग इत्यादि, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। जब उनका आदर सत्कार करेंगे तो अपने आप अपना जो आलस्य है प्रमाद है निकल जाता है। देखो हम लोग जैसे कोई आ जाता है बड़ा तो खड़े खड़े हो जाते हैं ना, यही तो हम अपने शरीर से ऊपर उठने का प्रयत्न है। इसलिए एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात हम अपने वाणी से कैसी सेवा करें सबकी। वाणी से सेवा करने का तात्पर्य सबको आदर से संबोधित करो। जहां हमने आदर से संबोधित किया हमारे मुख से अपशब्द कभी निकलेंगे नहीं। देखो एक बार एक मेडिकल कॉलेज की बात है, हमारे लेक्चर होने के बाद एक लड़की ने पूछा, स्वामी जी आई गॉट इस क्वेश्चन, प्रश्न पूछा मैंने। अच्छा अम्मा बैठो मैं बता देता हूं। बोले आप मुझे अम्मा क्यों कह रहे हैं, मैं आपसे छोटी हूं। हमने कहा अम्मा बैठो तो सही में बताता हूं, जब मैं तुमको अम्मा कहूंगा तो मैं तुमसे छोटा बन गया है ना, दिस इज द ओनली वे आई कैन ग्रो यंग। देखो किसी को आप बड़ा कहो तो उसमें हमारे ही मन में बहुत नम्रता आ जाती है। तो वाणी से किसी को नहीं दुखाना ये तभी संभव है जब हम किसी को आदर से संबोधित करते हैं। वाणी से सेवा हो गई सर्वकर्माणि। अब तीसरी बात आता है मन से। मन से कौन से कर्म होते हैं? दो प्रकार के, या तो चिंतन करो या तो चिंता करो। जो व्यक्ति चिंता करता है वो भगवान का भक्त नहीं। एक ही हृदय में एक साथ साथ भगवान की स्मृति और संसार की चिंता नहीं रह सकती, दो में से एक रहेगा। तो हमारे मन के द्वारा भगवान की भक्ति का तात्पर्य है हम निरंतर प्रभु का स्मरण ऐसा रखें कि जिसके द्वारा हम कभी गड़बड़ाए न जाए। इसको एक उदाहरण से समझो, बहुत सूक्ष्म उदाहरण है, ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे जब टीचर नहीं होती तो क्लास में कैसे बैठे रहते, ये उसको मारेगा, उसको खींचेगा, इसकी चिल्लाई करेगा, एकदम जैसे पोल्ट्री फार्म हो। और किसी ने बता दिया देखो मिस आ गई, भले वो मिस आए या ना आए चुप हो गए, अब मिस आ गई है, इसी को अपने में लगाओ। ध्यान से सुनना, हृदयस्थ परमात्मा हम जो भी कर्म कर रहे हैं कर्म करने के पहले वो जानते हैं। हम जो भी बोलने वाले हैं हमारे बोलने के पहले वो सुनते हैं, और हम जो भी सोचने वाले हैं हमारे सोचने के पहले हमारे हृदयस्थ प्रभु जानते हैं कि ये क्या सोचने वाला है। इसके बारे में यदि हम एकदम सावधान रहे यही भक्ति है। देखो ये बाहर का आडंबर ठीक है अपनी जगह में, उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो भक्ति का प्रचार नहीं होता। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस रामायण के प्रचार के लिए नहीं किया है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो प्रचार करने वाले होते हैं ना उनका केवल पैसे से मतलब है, फंड रेजिंग टेक्नोलॉजी। एक भागवत की कथा करो और इन लोगों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा, और उसमें से 90% कदम हो गए पैसे, पता नहीं कहां गए। प्रभु की लीला है और क्या है।
देखो भगवान का भक्त इस धंधों में कभी नहीं पड़ता। सर्वकर्माणि ये तो सर्वाणि कर्माणि मई सन्यस्य, तो जो सभी के सभी कर्म प्रभु के लिए कर रहे हैं। मई सन्यस्य मुझको ही सब अर्पण करते हैं, मत पराहा। अब देखो हम गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहां होता है? अपने बीवी बच्चों पर। हम लोगों की भक्ति भी ऐसी ही है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान कहां होता है? बीवी बच्चों पर। हे भगवान, एक मैं 125 रुपए का पेड़ा अब बांट दूंगा, मेरे बच्चों को नौकरी लग जाए। तो मत पराहा नहीं है हम, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो ये संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने का एक साधन है। देखो इसी कारण से हमारे जितने भगवान लोग होते हैं ना, इनकी आपने देखी पोज ऐसी होती है ना, इस पोज का तात्पर्य है, पहला ये वरद हस्त नहीं है। भगवान कहते चुप भी हो जाओ, कितने मांगोगे? और ये हाथ ही दिखाते हैं, यदि चुप नहीं होगा तो एक कसके लगाऊंगा। कभी तो भगवान को कहो कि हे प्रभु आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो ये फर्क है ध्रुव जी का और प्रह्लाद जी का। ध्रुव ने इतनी तपस्या करी भगवान की प्राप्ति के लिए, किस्सा कुर्सी का था देखो। और प्रह्लाद जी ने जो भक्ति थी प्रह्लाद जी की, जब भगवान नरसिंह ने कहा कि प्रह्लाद तुम मुझे मांगो जो चाहिए, हमारे नियम के अनुसार जिसको हम प्रसन्न हो जाते दर्शन देते हैं उसको कुछ देना चाहिए, ये हमारे यहाँ का IPS है। तो देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मांगना पड़ेगा आपको, नहीं कैसे मांगते हो? तो प्रह्लाद जी कहते यदि आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं भगवान, तो निश्चित मेरे मन में कहीं ना कहीं सुप्त रूप से कोई इच्छा बची होगी, इसीलिए आप कह रहे हैं। तो मैं यही मांगता हूं कि मेरे मन में एक भी इच्छा बाकी न रहे। देखो भगवान की भक्ति माने जिसको दुनिया से कुछ ना लेना है ना कुछ देना है। नमे द्वेषोस्ति न प्रिया मई सर्व ये तु सर्वाणि कर्माणि मई सन्यस्य मत्पराहा, उनके लिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, उनको मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे अनन्य नैव योगेन, ध्यान से सुनना, अनन्य योग। अन्य योग माने मैं भक्त, भगवान हमारे भगवान है, मैं अल्प शक्तिमान, भगवान सर्वशक्तिमान, मैं अल्पज्ञ, भगवान सर्वज्ञ, ये अनन्य योग नहीं है। ध्यान से सुनना, हमने आपको कल भी बताया था, भगवान के दर्शन के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना। कितने लोग हैं जो कहते हैं हमने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं, साक्षात उनके साथ रहे हैं, उनका स्वयं का जीवन देखो वैसा का वैसा घटिया। देखो कोई कहे कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं और रोता हूं, तो अगला व्यक्ति भगवान के भक्ति करेगा ही नहीं। हमने देखा सैंपल कैसा है। एक बार एक सज्जन के साथ हमको रहने का प्रसंग आया, बुढ़ाऊ थे उन दिनों में, हम जवान थे, बहुत पुरानी बात है। और कोई एक बचपन का हमारा लंगोटी यार होगा, उसको पता चला मैं बाबा जी बन गया, तो वो मुझे मिलने आया। और वो मिलिट्री का ब्रिगेडियर था, बढ़िया कार लेकर के, अपना बीबी को लेकर के, बिल्कुल बढ़िया ड्रेस में खाट खाट करके, कलकत्ते की बात है, हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। वहां आया, आने के बाद वहां जो बुढ़ाऊ बैठे थे उनके साथ बात शुरू हो गई। और वो बुढ़ाऊ किसी भी बूढ़े आदमी को प्रसन्न करना है तो उनको चाबी मार के छोड़ दो, वो नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे,
मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अगला जानना चाहता है कि इनको कोई मतलब नहीं, तो उन्होंने शुरू कर दिया, मैंने वेदांत पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषद पढ़ा है, शुरू हो गया। एक घंटे तक ये बोलते रहे, फिर उन्होंने कहा कि माफ करना, मैं अमुक अमुक को मिलने आया हूं। हाँ हाँ वो है ना, फिर मुझे बुलाया, और जब मैं गया तो बोले देखो भाई मुझे लेट हो रहा, मुझे जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुमको गाड़ी तक छोड़ देता हूं। गाड़ी तक जब जा रहे थे, उन्होंने मुझे पूछा, अरे यार ये बता, तू भी यही पढ़ा है क्या जो इस बुढ़ाओ ने पढ़ा है? वेदांत तो कुछ कह रहा था ये, हाँ मैं यही पढ़ा है। बोले मैं कसम खाता हूं मैं कभी वेदांत नहीं पढ़ूंगा, मैंने देखा सैंपल। भगवान के भक्त भगवान को जितने बदनाम करते हैं और कोई नहीं करता। देखो अनन्य नहीं वो योगे ना, अपने हृदय से प्रभु को प्रकट होने दो ना, वो अंदर में सफोकेट हो रहा है। एक भिखारी गया मंदिर के बाहर बैठा अपनी कटोरी लेकर के, एक ने भी एक पैसा नहीं डाला, निकला वहां से चर्च के बाहर बैठा, वहां भी उसने कटोरी लेके बैठा घंटे तक, एक ने भी एक पैसा नहीं डाला। फिर मस्जिद में गया वहां बाहर बैठा, वहां भी कटोरी लेके बैठा, एक ने भी पैसा नहीं डाला। फिर वहां से झल्ला के उठा और बियर बार के बाहर जाके बैठा, और जैसे बैठा आधे घंटे में इसकी कटोरी भर गई। तो कहता है भगवान तुम्हारा एड्रेस कुछ और ही है, तुम रहते कहीं और ही हो। देखो संतो, इसलिए ये बात स्पष्ट समझनी है, अनन्य नहीं वही योगे न। देखो अनन्य योग माने हमारे जीवन में परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी को कोई भी स्थान नहीं है। दूसरे शब्दों में हमारे जीवन में परमात्मा के सिवा अन्य कोई नहीं आता, जो भी आता है प्रभु ही आते हैं। देखो जिस दिन ये दृढ़ विचार हो जाता है ना, उस दिन आदमी वैसे ही मस्त हो जाता है जैसे एक छोटा सा बालक अपनी मां की गोद में एकदम मस्त रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं है। तो अनन्य योग का तात्पर्य है हम प्रभु से अन्य नहीं है, हम उनकी गोद में है। इसका एक आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। इंग्लैंड की बात है, हमारी जो होस्टेस थी बड़ी भगवान के भगत थी, भगवान कृष्ण की, अंग्रेज थी। पुराना घर उनका 300 साल पुराना, तो हम वहां फर्स्ट फ्लोर पर हमारा कमरा था, हम वहां बैठे थे। सुबह सुबह का समय था, 5-6 बजे उठ गए हम, नहा धो करके वहां बैठ गए थे, प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तो हम 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, नीचे आए नहीं, तो उन्होंने सोचा मैं सो रहा हूं, इसीलिए वो मुझे जगाने के लिए ऊपर आ गई, दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि मैं शांत बैठा हूं, तो फिर धीरे से दरवाजा बंद करके फिर नीचे आ गई। तब तक मेरी भी नींद खुल गई और फिर मैं नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद मुझे कहती है, स्वामी जी माफ करना, मैं जब आप मेडिटेशन कर रहे थे तो डिस्टर्ब किया। हमने कहा अम्मा मुझे गाली दे दो, लेकिन ये मत कहना कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं मेडिटेशन कभी नहीं करता। फिर आप क्या कर रहे थे? हमने कहा कि मैं कन्हैया की गोद में बैठा था। ध्यान मत करना, इधर ध्यान देना, जहां बैठे हो ना कन्हैया की गोद है। तो जैसे बालक मां की गोद में अपने आप को भूल जाता है, इसी प्रकार से जब हम प्रभु के स्मृति में अपने आप को भूल जाएंगे तब उसको कहते हैं अनन्य योग। और जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, पहले हवा भरो, बाया नाक दहना दा, मैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं किधर से खींचा किधर से छोड़ना है।
इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। देखो अनन्येन एव योगेन, बीरबल और अकबर की कहानी आपने पढ़ी होगी। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि तुम्हारा भगवान बड़ा है कि मैं बड़ा हूं बताओ। तो उन्होंने कहा कि बादशाह ऑफ कोर्स आप बड़े हो। उन्होंने कहा ठीक है मुझे मालूम था, ऐसे उत्तर दोगे कैसे मैं बड़ा हूं। बोले जब आप गुस्सा करोगे तो किसी को भी अपने राज्य से बाहर निकाल दोगे, लेकिन भगवान गुस्सा करे तो भी किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि वहां उनका राज्य कहां नहीं है। बड़ा छोटा ये बात केवल द्वैत में आती है। प्रभु के साथ एक हो जाओ, ना प्रभु बड़े है ना भक्त छोटा है, ना भक्त बड़ा है ना प्रभु छोटा है। देखो अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, तो उनकी जो उपासना है यही उपासना है। यद यद कर्म करोमि तत् तद अखिलम शंभो तव आराधना, तो कर्म परमात्मा के लिए कर रहे हैं, विचार परमात्मा के है, बोलना परमात्मा के बारे में है, और प्रभु को प्राप्त नहीं करना है। हम में जो परमात्मा को हमने ढक्कन से ढक दिया है, पंचकोशों के ढक्कन से, उन ढक्कन को हटा करके उनको हमारे माध्यम से प्रकट होने दे। देखो यही साधना है। जब ये बात गले उतरती है ना, तब आपको ध्यान करना नहीं पड़ता। ये ध्यान करने वाले सब प्रकृति में फंस जाते हैं। पतंजलि योग दर्शन पढ़ो आप, शिव सूत्र पढ़ो, हर जगह यही बात बताते हैं कि जहां आपने संयम प्राप्त कर लिया, मन को त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि सिद्ध हो गई, तो आपके मन में जो सुप्त शक्तियां हैं, प्रकृति की जो सुप्त शक्तियां हैं, एक 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 प्रकट होने लगेगी। और वो प्रकट होने लगने के बाद आदमी के पास 2 रुपए ज्यादा क्या हो जाए, पब्लिक को दिखाना चाहता है। तो ये शक्तियां जब अपने में प्रकट होती है तो क्या वो छुपा के रखेगा। एक हमारे मित्र सिंधी थे, हम उनके यहां खाने के लिए गए, 2 ही थे, बाकी बच्चे बच्चे बाहर चले गए थे, बुढ़ाऊ और उनकी पत्नी। तो अम्मा ने कहा कि स्वामी जी अभी 10-15 मिनट टाइम लगेगा, मैं गर्म कर रही हूं। हाँ कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं अखबार पढ़ता हूं। तो बुढ़ाऊ कहते मुझे, स्वामी जी अखबार नहीं, मैं हारमोनियम लाता हूं। हमने कहा देखो मैं ना तो तानसेन हूं ना तो कानसेन हूं, मैं इनसेन हूं, मुझे संगीत से कोई मतलब नहीं। नहीं 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 नहीं, आपके लिए नहीं, मेरे लिए। फिर वो डाइनिंग टेबल पर हारमोनियम ले आए। बोले मैंने पिछले 15 दिन से संगीत सीखना शुरू किया है, और मैं आपको बताता हूं सारे गम पद निशा, और हवा भरना शुरू कर दिया, आवाज ही नहीं आ रही। क्या हो गया? पत्नी को डांटा, क्या किया तुमने? बोले मैं तुम्हारे डब्बे को हाथ नहीं लगा दी, तुमको मालूम है क्या है? अब नए नए सीखे थे, मालूम भी नहीं कुछ। हमने कहा प्रभु वो आपने चाबी खींची नहीं उसकी। ओह मैं भूल गया, एक्साइटमेंट में ऐसी कस के चाबी खींची, चाबी हाथ में आ गई। लो अब देखो छोटी सी बात, सारे गम सीखा क्या, उसका प्रदर्शन करना है। सिद्धियां प्रकट हो गई तो कोई चुप बैठेगा? देखो ये जो सिद्धियां होती है, ये हमको प्रकृति में बांधने के लिए भगवान की माया है, इससे अपने आप को बचा के रखना है। और जो व्यक्ति आप देखेंगे, योगी ले लो तपस्वी ले लो, उनमें क्रोध बहुत होता है। शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जायते, योग में योग भ्रष्ट हो सकता है, भक्ति में भक्ति भ्रष्ट कोई नहीं होता। देखो तपस्वी लोग भी देखो, इतना क्रोध, लोग डरते हैं, भक्त से कोई नहीं डरता। देखो इसीलिए यह जो भगवान की भक्ति है, ये हमको सहजता से प्रभु में
मिला देती है। वेदांत में मैं को प्रभु में मिलाते हैं और भक्ति में प्रभु को अपने में उतारते हैं। जब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं तब हमको महात्मा कहते हैं, और जब जीवात्मा प्रकट होता है तब उसको सीएच आत्मा कहते हैं, दुखी रहेगा हमेशा। इसीलिए ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगिनः माम ध्यायन्तः उपासते, तो उनकी उपासना इस प्रकार से होती है। अच्छा महाराज आगे कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि यावेशित चेतसाम। अपने गीता प्रेस की पुस्तकें जो है ना उसमें चित्र आते हैं, बड़े बड़े रंगीन चित्र, और ये चित्र बनाने वाले जो आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट लोग कोई भी हो, किसी भी विषय में ले लो, संगीत में ले लो, गाने में ले लो, या तो फिर नृत्य में ले लो, थोड़े सरके होते हैं, थोड़े सरक जाते हैं। तो मुझे एक किसी ने बताया था कि वहां जो आर्टिस्ट था उन दिनों में, 1940 की 30 की बात है, बोले वो आर्टिस्ट बहुत बढ़िया था, काफी चित्र उसी के बने हुए हैं, लेकिन वो हमेशा स्पिरिचुअल रहता था पी करके, और उसको बताया देखो ऐसा चित्र निकालना है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरार भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ठीक है जी, हो जाएगा। पहले वो लिक्विड स्पिरिचुअलिस्ट बन गया, वहां एक बढ़िया लगा दिया कागज और उसमें तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरार, सागरार सागर बनाना है, फटाफट उसने समुद्र बना दिया। कौन उद्धार करता है? भगवान कृष्ण। अच्छा, भगवान कृष्ण एक नाव बना दी, उसमें भगवान कृष्ण को खड़ा कर दिया, और मृत्यु संसार सागर क्या है, चारों तरफ मगरमच्छ है, शार्क है, बड़े बड़े मछलियां है, उसके नाम दिए काम क्रोध लोभ इत्यादि, और वो उस आदमी को खा रहे हैं, और एक है जो भगवान का नाम ले रहा है, श्री कृष्णा राम 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 राम। भगवान आते हैं जैसे फिशिंग करके एक मछली को उठाते हैं, वैसे भगवान ने सबको छोड़ करके उसको वहां से उठाया और अपने नाव में रख लिया। ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, मृत्यु से अपने आप को बचाने का तात्पर्य है, ध्यान से सुनना, सनत सुजातीय में विचार आता है, प्रमादम वही मृत्युर ब्रवीमि, मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। अभी देखो आपको सब कुछ झटका लगेगा, मरने भी नहीं देते आज तक किसी भी व्यक्ति को, अपने मृत्यु का अनुभव नहीं आया। अन्य देह को मरते हुए देख करके हमने अपने आप को देह माना है, इसीलिए मृत्यु की कल्पना होती है। यदि हम अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार करें तो मृत्यु की कल्पना मन में प्रकट हो ही नहीं सकती। देखो, ये इसका अर्थ है। तो जब तक के हम अपने आप को देह मान के रहेंगे, तब तक के पापो हम पाप कर्मा हम, पिछले जन्म में पाप किए थे, इस जन्म में कर रहा हूं, अगले जन्म में करूंगा। देखो ध्यान से सुनना, एक होता है तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय माने क्या, इसको छह प्रकार से बताते हैं शास्त्रों में। किसी भी कहानी का तात्पर्य क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, तात्पर्य निर्णय। एक बार की बात है, हम कहीं सत्संग में बता रहे थे कि
जो व्यक्ति छोटे दायरे में फंसा है उसको परमात्मा क्या है ये बात समझ में भी नहीं आएगी और उसका अनुभव भी नहीं आ सकता। ये सिद्धांत बताना था, इसीलिए हमने कहानी बताई। एक बार की बात है, एक समुंदर की मछली एक कुएं में जाके गिरी और कुएं में एक मेंढक था। मेंढक ने देखा ये कौन आया प्राणी, तो मेंढक ने जाकर के पूछा, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, मेंढक ने जाकर के पूछा, तुम कौन हो? बोले मैं मछली हूं। कहां से आई हो? बोले समुंदर से। समुंदर क्या होता है? समुंदर पानी का संग्रह है। कितना पानी? अब मेंढक अपना छोटा सा हाथ निकालता है, इतना पानी? मछली को गर्दन नहीं होती इसीलिए दुम हिला के बताया, नहीं। फिर मेंढक ने पूछा, इतना पानी दोनों हाथ से? बोले नहीं। फिर उसने एक छलांग लगाई यहां से वहां तक, इतना पानी? बोले नहीं। फिर डायगोनली जंप किया दीवार से दीवार तक, इतना पानी? मछली कहते, नहीं रे बाबा, इतना नहीं, इससे भी ज्यादा। कितना? बोले चलो मेरे साथ। और दोनों चले जाते समुंदर में, और वहां समुद्र में जाने के बाद अब मछली पूछती है, कितना पानी है यहां बताओ। जब मैंने ये कहानी बताई तो एक सामने बैठे हुए वयस्क व्यक्ति बड़े सिंसियरली सुन रहे थे, स्वामी जी मुझे प्रश्न है, पूछो क्या है। ये मछली कुएं में कैसी गई? हमने कहा किंग फिशर की फ्लाइट से चली गई। अब उसका तात्पर्य क्या है? देखो महाराज, इसी प्रकार से हम प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से सुनना। हम प्रश्न पूछते हैं, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आए? तो हमारा ध्यान अभी दुनिया में है। शास्त्र चाहते हैं हम अंतर्मुखी होकर के अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करें। शास्त्रों का तात्पर्य इसमें है। तो फिर क्या बताएंगे? देखो, पिछले जन्म में तुमने उसको बहुत कष्ट दिए थे और उसने उस समय भी और इस समय भी वो करवा चौथ कर रही है, वो तुमको छोड़ेगी नहीं। तो पिछले जन्म में जो तुमने उनको छला था उसका बदला इस जन्म में ले रही है। लेकिन मुझे तो याद नहीं। तुम्हारे याद नहीं रहने से क्या होता है? डिवाइन कंप्यूटर में डिलीट नहीं होता। अब मैं क्या करूं? तो पहली बात, अपने दुख की जिम्मेदारी स्वयं पर लो। मनुष्य किसी अन्य के कारण कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य दुखी होने का एकमात्र कारण स्वयं है, अन्य नहीं है। देखो, जब हम अकेले बैठे थे कोई नहीं, तो आदमी बोर हो रहा है, किसके कारण बोर हो रहा है? एक सज्जन गए, अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हो? मैं बोर हो रहा था इसलिए आया हूं। क्यों बोर हो रहे थे? कौन था तुम्हारे पास? अरे यार कोई नहीं था इसीलिए बोर हो रहा हूं। अब देखो, जो आदमी अपने आप से बोर होता है वो कितना सॉलिड बोर होगा। किसी अन्य के कारण बोर हो जाए तो बात समझ में आती है। इसी प्रकार से हम अपने ही कारण दुखी है। तो भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, देखो तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम स्वयं हो। तुमने पाप कर्म किए थे, उसको छला था, इसीलिए जन्म में तुमको दुख मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ठीक से व्यवहार करो उसके साथ, नहीं तो अगले जन्म में फिर वही पत्नी होगी। नहीं रे बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, ये जन्म आखिरी जन्म है। अब देखो नेट क्या हो गया इसका अर्थ, हम अन्य को बदनाम करना बंद कर देंगे। पहला तात्पर्य जन्म मरण के सिद्धांत का ये है। दूसरा तात्पर्य, हम इस देह के जन्म के पहले थे किसी अन्य देह में, इस देह में हम है, तो ये देह नष्ट होने के पश्चात फिर अगले जन्म में फिर देह में रहेंगे, तो हम मरे कहां? हम तो ज्यों के त्यों हैं। तेषाम अहम समुद्धरता
मृत्यु संसार सागरात, ये इसका अर्थ है। नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है कि मुझे मरने का डर लग रहा है। एक बुढ़ाओ सिंधी ने मुझे कहा था कि स्वामी जी आप मत जाया करो, मैं आजकल बहुत डर रहा हूं, मुश्किल हो रही है। तो मैं चुप रहा, बोले मुझे डर लग रहा है मरने का। हमने कहा बाबू जी फिक्र मत करो, मैं गारंटी देता हूं आप मरोगे। डर मरने का मैंने यही हो सकता है ना कि मैं मरूंगा या नहीं मरूंगा, गारंटी है कि मरोगे। बोले नहीं वैसी बात नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी बीबी मेरे बच्चे इनका क्या होगा। हमने कहा उनको पूछो, वो कहेंगे बाबू जी हम वेट कर रहे हैं, जाओ ना। संतो ये बात समझ लो स्पष्ट रूप से, ना तो कभी हमारा जन्म हुआ है, ना तो कभी हम बढ़े हैं, ना तो कभी हमारा मृत्यु हुआ है, ना तो कभी हम अपने अभाव का अनुभव कर सकते हैं। ये नित्योपलब्धि स्वरूप हो आत्मा, ये अपना स्वरूप है। देखो, और ये जो पाप पुण्य धर्म अधर्म वाले चक्कर वाले होते हैं ना, उन्होंने ये बात सुनी कि वो घबरा जाते हैं। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, ऐसी तो आप नरक में जाओगे। अरे नरक में क्या भगवान नहीं है? यदि बिना भगवान के नरक रह सकता है तो नरक श्रेष्ठ है भगवान से। ऐसी ये डर डराने की बात भक्ति में नहीं होती। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। आप साधु संतों के जो लिखाण है उसमें देखो, प्राथमिक अवस्था में उन्होंने जो भगवान के पद लिखे हैं, भजन लिखे हैं, उनमें देखो कैसे आर्त भाव रहता है। जैसे जैसे वही भक्त मैच्योर हो गया, आखिर में जाकर के कहता है भगवान किसको डरा रहे हो, जन्म दोगे हजार जन्म दो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहां छोड़ के जाओगे मुझे। देखो अभयम सत्व संशुद्धि, यह निर्भयता भक्ति में प्राप्त होती है, क्योंकि अन्य कोई है ही नहीं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये तो हम इसी चक्कर में लगेंगे कि देखो हम जरा पुण्य करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, योगा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। एक बनारसी बुढ़ाओ रामदेव बाबा के चक्कर में फंसा, खूब योगा किया और अपनी उम्र 130 साल तक कर ली। मरना तो है ही, चाहे कितनी भी उम्र लंबी कर दो, 130 साल के बाद मर गया। मरने के बाद स्वर्ग में गया, क्योंकि वहां उसे योगा किया था। वहां जाने के बाद इतना पछताया, अरे यार मैं रामदेव बाबा के चक्कर में पड़ा, जल्दी आ जाता तो ठीक रहता, यहां कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां है, वहां बुढ़ाऊ के सर पड़ा रहा। देखो संतो, उम्र लंबी करके कुछ नहीं होता। किसी को कर्ज करना है तो ये कर्ज करो, लंबे जियो और सफर करो। देखो संतो, तो मृत्यु संसार सागरात का तात्पर्य यही है, ये मृत्यु का डर अपने से निकाल डालो। यदि हमने भगवान की भक्ति करी है, यदि हमने वेदांत का श्रवण किया है, तो किसी के भी मृत्यु की खबर सुनकर के अपने मृत्यु की कल्पना मन में नहीं आ सकती। देखो आपने समझो, कभी जिंदगी में एक गाड़ी चलाई ही नहीं, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, और आपने अखबार में पढ़ा कि अमुक अमुक व्यक्ति ने गलत गाड़ी चलाई, इसीलिए उसको फाइन हो गया और उसको जेल में बंद कर दिया। ये कहानी या ये न्यूज पढ़ने के बाद आपके मन में ऐसा विचार आएगा क्या कि मुझे जेल में ना भेज दे? क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, आप चलाते ही नहीं, तो ऐसा विचार कभी मन में नहीं आएगा। इसी प्रकार से अन्य के देह को मरते हुए देखा और हमने कल्पना कर ली अब हमारा वही देह मर जाएगा। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में इसी सिद्धांत को भगवान ने बताया है, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कौन मरा है कौन पैदा हुआ है। देखो भगवान कहते चौथे अध्याय में,
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। हम आज तक कितनी बार पैदा हो गए, देह के साथ आदत में किया एक शिशु, फिर देह बढ़ा एक टीनेजर, फिर देह टीनेजर खत्म हो गया मिडिल एज का आया, फिर मिडिल एज के बन गए, फिर बुढ़ापा आ गया बूढ़े बन गए। किसी भी परिच्छिन्न वस्तु के साथ तादात्म्य करना इसी को कहते हैं जन्म। देखो, और जहां तादात्म्य नहीं है वहां संसार नहीं है। परमात्मा में संसार नहीं, प्रकृति में संसार नहीं, अपने देह में भी संसार नहीं है। देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात जो पैदा नहीं होता, उसके पैदा होने के बाद जो अनुभूतियां है उसको कहते संसार। देखो एक उदाहरण ले लो, पंचदशी में उदाहरण आता है। किसी एक व्यक्ति ने दूसरे को परेशान करने के लिए झूठ मूठ की खबर दे दी। भाई हमने सुना है गुप्ता जी तुम्हारा जो लड़का है उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया अमेरिका में, झूठ मूठ बोल दिया। तो गुप्ता जी शांत रहेंगे क्या? तुरंत फोन उठाया और अपने लड़के को लगाया। तो यहां का दिन वहां की रात, तो लड़के ने फोन उठाया, पापा कितनी बार कहा है तुमको रात के समय फोन मत किया करो। हाँ अच्छा हो गया, मैंने सुना था कोई गड़बड़ी हो गई। अब देखो केवल उस घटना के साथ तादात्म्य हुआ एक क्षण के लिए और दुखी संसार पैदा हो गया। दूसरा उदाहरण आता है, किसी की यहां कुछ दुर्घटना घटी हो और उसको पता नहीं है तो दुख नहीं है। तो यह संपूर्ण संसार निर्माण होता है केवल तादात्म्य से। यह तादात्म्य वैसा ही है जैसे दर्पण के सामने खड़े रहो तो वहां प्रतिबिंब पड़ता है। तो इस प्रतिबिंब को मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल इतनी ही आवश्यकता है प्रतिबिंब मैं नहीं हूं बस। देखो इस पर चिंतन करो। एक उदाहरण देते आपको, एक अंग्रेज अम्मा ने मुझे कहा था, स्वामी जी आप यदि पहले मेरे जीवन में आते 25 साल पहले तो मैंने कहा कि फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। बोले नहीं शादी के लिए नहीं, मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं लेता। हमने कहा अभी 4th बार करके मत लेना। तो कहती है नहीं मुझे ये पूछना था। हमने कहा अभी तुम पूछो, उसके पहले मुझे पूछना है मेरी इंक्वायरी। पहली बार तुमने शादी करी तो अपने समझने के लिए तुम W1 हो गई और तुम्हारा पति हस्बैंड 1H1, W1H1। फिर दूसरे बार शादी करी तो W2H2, तीसरे बार शादी करी W3H3। अब मेरा प्रश्न ये है W1 = W2 = W3 = what? ये जो 3 पत्नियां थी ये कहां गई? देखो संतो ये कहीं नहीं गई क्योंकि कहीं नहीं थी। जो नहीं थी वो दुखी हो रही है, यही तो संसार है। केवल एक स्त्री के साथ तादात्म्य कर लिया वो मेरी पत्नी, फिर उसी स्त्री के साथ तादात्म्य छोड़ दिया लीगली वो मेरी पत्नी नहीं, हम साथ ही रहते हैं बट वी आर नाउ फ्रेंड्स, वी आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ। तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। देखो संतो जैसे जैसे आपकी सूक्ष्मता ज्ञान की बढ़ती है ना, वैसे वैसे आदमी इस जगत में ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, नमी देशोस्ती न प्रिया। देखो भगवान कृष्ण के बारे में कथा हमने पढ़ी,
ये बड़ी सुंदर कथा है, अपने गीता प्रस्तुत पुस्तकों में आती है। जब परीक्षित जी मृत पैदा हुए तो उनको जिलाने के लिए, जिंदा करने के लिए उत्तरा ने कहा कि भगवान इसका जिंदा करो, नहीं तो इसका मुश्किल है, हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कैजुअली कहते हैं, यदि मेरे मन में इस युद्ध के मैदान में सबके प्रति समत्व का भाव होगा तो उस समत्व के शक्ति से यह मृत बच्चा जिंदा हो जाएगा। और परीक्षित जी जिंदा हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, समत्व को साधारण बात मत समझ लेना। पूरी जो भगवद गीता है उसका मूल सिद्धांत तो यही है, ममता यह रोग है, समता यह उसकी दवाई है। पहले दिन में आपको बताया था हमने, कर्म का तात्पर्य मन में समत्व लाने के लिए है। योगी नहा कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आत्मा की माने मन की शुद्धि यही है कि सिद्ध सिद्धियों समूह भूतवा समत्वम योग उच्चते। पहली बात, योग की सिद्धि यही भी है, यही है समूह हम सर्वभूतेषु। भक्ति की भी यही सिद्धि है और ज्ञान की भी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो अपने मन के संतुलन को 24 घंटे में 24 घंटे बनाए रखना, यह भगवान की भक्ति है। अपने मन को बिगड़ने मत दो। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ऐसे जो अनन्य चेता है, जो मेरे साथ एक हो गए, उनको कहां मृत्यु का डर है, क्योंकि उनके जीवन में समत्व की सिद्धि हो गई है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरान भवामि नचिरात पार्थ। और कहते हैं, हे पार्थ, हे प्रतापुत्र, हे अर्जुन, नचिरात एक क्षण में सब कुछ हो जाता है। देखो, भगवान की भक्ति धीरे धीरे नहीं होती, या तो है या तो नहीं है। तत्व में भाग नहीं होते। एक बार हम आ रहे हैं, पास एक लड़का आ गया है कि स्वामी जी कुछ जॉब दे दो, मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूं। तो मैंने पूछा, तू पहले कहाँ काम करता था? बोले, गुप्ता जी क्या, ठीक है कल आ जाना। मैंने गुप्ता जी को फोन किया, गुप्ता जी ये बताइए, ये लड़का मेरे पास आया था, आइए संतो बैठिए, विराजिए जहां इच्छा हो। तो पूछा उसको, ये जो लड़का आया था काम करने के लिए, कैसा है लड़का, ये इस पर विश्वास रख सकते हैं क्या, भरोसेमंद है क्या? तो गुप्ता जी ने बताया, स्वामी जी वो 70% भरोसेमंद है। या भरोसा होगा या नहीं होगा, तत्व में फ्रैक्शंस नहीं होते। या तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है या नहीं है, ऐसे नहीं थोड़ी थोड़ी भक्ति है। जो थोड़ी थोड़ी भक्ति है वो भागती है, वो टिकती नहीं। फिर ऐसा व्यक्ति गंगा गया तो गंगादास, जमुना गया तो जमुनादास, घर आया तो देवदास। ऐसी भक्ति नहीं होती संतों। जिसकी हृदय में भक्ति होती है वह एकदम निर्भय होकर के जीवन में जीता है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ। पर इसके लिए समय नहीं लगता। देखो, मई आवेशित चेतसाम, और ये किसके लिए, जिसका चेत, जिसका मन मुझ में प्रवेश कर चुका है। अब उनके मन में, ऐसे भक्त के मन में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना, केवल मुख से राम 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 करना ये परमात्मा में ध्यान नहीं है। देखो, ध्यान से सुनना,
हमने आपको पूछा समझो, भाई आप हनुमान चालीसा जानते हो क्या? हाँ जानते हैं। कहो। आपने कह दिया, बहुत बढ़िया बात है। अब ऐसा करना, आज से खाना खाना बंद कर दो। ये कथा उपनिषदों में आती है। विद्यार्थी पूछते हैं गुरु महाराज को कि महाराज, आपने जो कहा है कि मन सूक्ष्म है और अन्न स्थूल है, तो नियम तो ये है कि सूक्ष्म को यह स्थूल ताकत नहीं दे सकता, सूक्ष्म स्थूल को ताकत देता है, तो ये अन्न का प्रभाव मन पर कैसे होगा? हाँ बेटा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई बात नहीं, बाद में समझाऊंगा, अभी मेरी इच्छा हो रही है पुरुष सूक्त सुनने की। और वो विद्यार्थी शुरू कर देता है, ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाल स भूमि विश्व तो वृत्वा अत्यधिष्ठ दशांगुलम पुरुष मे वेद गम सर्वम, पूरा का पूरा एकदम बढ़िया, खट खट खट। बोले बहुत अच्छे हो तुम तो विद्यार्थी, ऐसे करना आज से तुम्हारा खाना बंद। अब एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, तीसरे दिन के बाद फिर गुरु महाराज ने, चेला जी इधर आओ। चेला जी पहुंच गए। ओ पिछले बार तुमने वो पुरुष सूक्त कहा था, बड़ा आनंद आया था, मैं नहीं कहूंगा अभी, आप मेरा खाना बंद कर देते हो। नहीं नहीं एक बार कह के तो देखो। फिर उसने शुरू कर दिया, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, आगे जा ही नहीं रहा था, भूल गए। और जब वो ठीक से नहीं कह पाया तो गुरु महाराज ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, जाके थोड़ा खा लो। बोले ये क्या बात है, जब ठीक से कहा तो खाना बंद, जब गलत कहा तो खाना शुरू। फिर उन्होंने कहा कि देखो, अन्न का प्रभाव मन पर होता है। देखो इसी प्रकार से देहात्म भाव का प्रभाव मन पर होता है। देखो कितनी सरल बात है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर मई आवेशित चेतसाम। तो हमारे मन को हमने कौन सी खुराक दी है, ध्यान से सुनना। हम अपने घर को सजाने के लिए कितना टाइम पैसा खर्चा करते हैं, हम अपने फिगर की फिक्र करने में कितना जिम में जाकर के पैसा फूंकते हैं, पैसा देती जाते कोई नहीं। एक अमेरिका की बात है, हमारे मित्र, उन्होंने मुझे कंप्लेन करी, बोले स्वामी जी आपने देखा मेरा लड़का कितना यूजलेस है, उसके लिए मैंने पूरे बेसमेंट में एक जिम खड़ा कर दिया, सब मशीनें ले आया, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं, अब क्या करूं मैं। हमने कहा आपने गलत मशीन खरीदी, कैसी, ऐसी मशीन खरीदो जिसके साथ एक्सरसाइज करने वाला भी मिल जाए। देखो हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, कभी हमने अपने मन का ध्यान रखा है? मन को क्या खुराक दे रहे हैं हम? रात के समय सोते समय लेट नाइट टेरिबल क्राइम मूवीज देखेंगे, यहां तो एकदम जेम्स हैडले चेस की पुस्तकें पढ़ेंगे, चलती गाड़ी में लटकती लाश, और फिर रात को सोने के पश्चात नींद क्या भगवान कृष्ण के आएगा सपना। देखो इसीलिए कहते हैं मई आवेशित चेतसाम का तात्पर्य है, हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम। पैसे के पीछे जो पड़ा है वो ये नहीं देखता कि मैं केवल ऑफिस टाइम में ही पैसा खाता हूं, मैं कभी भी खा लेता हूं। देखो क्योंकि उसका मन पैसे में समर्पित है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा, मई आवेशित चेतसाम, जिसके जीवन में परमात्मा मात्र है, अन्य कुछ नहीं, ऐसे व्यक्ति को मैं संसार सागर से मुक्त करता हूं, माने उसके जीवन से यह जन्म मृत्यु का भय जो है हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। देखो एक ही कर्म हम जो करते हैं जिसके कारण अन्य परेशान होते हैं,
उस कर्म का फल हमको नहीं मिलता, अन्य को मिलता है। और वो कौन सा कर्म है? अपना मृत्यु। समझो मैं मर गया, यहां मेरे मरने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पड़ा रहूंगा, आपको परेशानी। अब इनको कैसे डिस्पोज करें? देखो तो जीवन में दुख जो होता है वो मरने का नहीं, मरने का जो डर है उसका दुख है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। देखो संतो, जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं, और प्रभु का प्राकट्य ऐसे मत समझ लेना मेरे हृदय में भगवान आ गए, ये बिल्कुल मुरली लेके खड़े हैं, लेकिन उनकी मुरली जो है ना मुझे यहां खरोच रही है, गुदगुदी हो रही, क्या करूं, अरे राम राम राम, ये सब मानसिक विकार है। भगवान की अनुभूति में केवल एक ही अनुभव होता है, और वो ये आपके जीवन में एक भी प्रश्न नहीं उठेगा। प्रश्न रहित, विकल्प रहित अनुभूति को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। छठवें अध्याय में भगवान ने इसका उत्तर दिया है, कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जीवन में आने वाले जितने भी द्वंद्व है, शीत उष्ण सुख दुख, इसके द्वारा जिसके मन का संतुलन बिगड़ता नहीं, एक कंडीशन। दूसरी मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान अपमान के कारण जिसके मन के शांति में कोई भी खोट नहीं आती, परमात्मा समाहिता, वो परमात्मा में मिल गया है। देखो ये है प्रभु की अनुभूति। इस चक्कर में पड़े रहोगे ना, मैंने इतना ध्यान लगाया बाहर देखना, फिर अंदर देखना, फिर बाहर देखना, फिर अंदर देखना, ये सब मानसिक चीजें हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो आदमी भटकते रहता है खामो काम। हमने इतने सालों तक भगवान का नाम लिया, महाराज क्या बतावे, ये 24वीं माला है। माने क्या? मालाएं की जो मणि है घिस घिस के खत्म हो गए। इतनी ही बात नहीं, हमारी उंगली भी छोटी हो गई, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमारा ये प्रयत्न मालूम है कैसा है? हमने इस भगवान के चित्र को देखने के लिए कान के पास जिंदगी भर रखा, लेकिन दिखाई नहीं। आप अयोग्य प्रमाण का उपयोग कर रहे हो। तत्व दृष्टि से प्रमाण केवल वेदांत शास्त्र है। यहां भी कहते हैं ना, उपनिषत्सु सर्व गीतायाम, श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, तो जो उपनिषद के सिद्धांत है वही इसमें प्रतिपादित हुए हैं। इसीलिए संतो, जैसा जैसा आपका विचार सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा, पता चलेगा आज तक ना कोई मरा है ना कोई पैदा हुआ है। मांडुक्य उपनिषद में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि चार बातें नहीं बताते, वहां कहते हैं दो ही है, सुषुप्ति और स्वप्न। सुषुप्ति किसको कहते हैं? तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, तत्व को नहीं पहचानना यही निद्रा है। अन्यथा ग्रहणम स्वप्न, हमने अपने को पहचाना नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं कि अपने आप को देह मान के रखा है, और देह मानने के पश्चात फिर हम पति पत्नी भाई बहन इतने सब कुछ बन गए, और इसी के कारण हम अंदर में एक थोड़ी है, अंदर में एक पोल्ट्री फार्म है और 24 घंटे कॉक 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 चल रहा है। देखो एक रहो, उसी क्षण नचिरात भवामि पार्थ मई आवेशित चेतसाम, उसी क्षण आप प्रभु में मिल गए हो। ध्यान से सुनना, जैसा
तैरना सीखने के बाद आदमी फिर कूदता है पानी में, ऐसे नहीं मैंने तैरना सीख लिया अब क्या कूदने की जरूरत है, अरे काहे के लिए सीखा था, कूदने के लिए तो सीखा था। इसी प्रकार से प्रभु का दर्शन कर लिया, काहे के लिए किया है, सब में प्रभु को ढूंढने के लिए। देखो जीवन मुक्त पुरुष पहाड़ों में जाकर के गुफाओं में नहीं बैठते। देखो सर्वभूत हिते रता, इसीलिए इस संसार सागर से अपने आप को बचाने का तात्पर्य यही है कि हम अपने मन से यह जो भ्रांति है कि मैं पैदा हुआ था मैं मरा था। देखो एक बार कहाँ की बात है, देहरादून की बात है, एक लड़की किसी न्यूज़पेपर की आई हमको मिलने के लिए, बोले स्वामी जी मुझे हमारे एडिटर ने आपका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है और मैं यहाँ की जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी आप उत्तर देना। वो पूछती गई मैं बताता गया, इतनी झल्ला गई वो, फिर कहती है कम से कम एक प्रश्न का तो ठीक से उत्तर दीजिए। पूछो कौन सा प्रश्न है, बोले इस दुनिया से जाने के पहले इस दुनिया में आप अपने कैसे पद चिन्ह छोड़ के जाओगे, हाउ विल यू लीव द फुटप्रिंट्स इन दिस वर्ल्ड व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड। तो मैंने कहा मेरे पहले तुम मरोगे, तो मेरे फुटप्रिंट्स देखना तुम्हारे नसीब में नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है तुमको। दूसरी बात बताई कि देखो जो कीचड़ में चलते हैं उनके फुटप्रिंट्स होते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के कई फुटप्रिंट्स नहीं होते। इस दुनिया में अपना नाम अमर कर जाओ, ये कौन कहेगा, जिसने इस दुनिया को सत्य माना है वो कहेगा। देखो संतो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर रहा, लेकिन जगत को हमने सत्य मान लिया है और इसीलिए हमारा नाम अमर हो हमारा रूप अमर हो। देखो महाराज ना तो भगवान राम की अयोध्या कहीं टिकी है, देखो वहां जो सीता जी का किचन है देखा ना, अपने यहां के 1 BHK फ्लैट से भी छोटा है। सीताजी वहां रोटी मिलती थी, उसी प्रकार से आपके कन्हैया लाल की द्वारका कहां गई, कितने आके चले गए, दुनिया में कोई था ही नहीं। देखो सुबह के चिंतन में केनोपनिषद में आके आप सुनो, ऐसा आदमी हिल जाता है ये कहां फंसे हैं हम। देखो इसीलिए मैं आवेशित चेतसाम, जिनका चेतस जिनका मन मुझ में प्रवेश कर चुका है उनके जीवन में अब जन्म मृत्यु का भय नहीं है। देखो जैसे एक छोटा जो मर्त्य राजा होता है वो तो आपको अपने राज्य से निकाल देगा, लेकिन भगवान कहां से निकाल सकता है, सर्वव्यापी है, हम भगवान में ही है। अच्छा ये बताने के पश्चात अब 8वें श्लोक से भगवान शुरू कर देते हैं साधना करने की प्रक्रिया भक्ति के अनुसार। उसमें कहते हैं मयि एव मनादस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं संशय। अगले 4 श्लोकों में उन्होंने भगवान की भक्ति करना माने क्या इसका अर्थ बताया है। उसमें उन्होंने कहीं भी भक्त के लक्षणों में बाहर का मेकअप कहीं नहीं बताया कि फुल स्टॉप लगाना है क्या .com devotee.com नहीं, ना तो लाइनें खींची है, ना तो खंभे खड़े किए हैं, ना तो विशेष प्रकार की माला है। देखो बाहर की चीजें अपनी जगह ठीक है, वही सब कुछ नहीं है। जिसके मन में अनात्म विचार का आगमन नहीं होता
वही भगवान का असली भक्त है। आत्मविचार नहीं आ सकते क्योंकि हमारा स्वरूप बुद्धि के क्षेत्र में नहीं है। तो जहां अनात्म विचार का अभाव हुआ वही हम प्रभु के साथ मिल गए। ये कैसा है क्या है इसका चिंतन कल के एपिसोड में होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।